यार आप में से कई लोग बॉम्बे मरीन ड्राइव के बारे में जरूर सुना होगा, काफ़ी फेमस प्लेस है। लेकिन मैं आज प्रयागराज के मरीन ड्राइव के बारे में बता रहा हूँ। प्रयागराज में एक ऐसा प्लेस है जो एक्चुअली में मरीन ड्राइव है। प्रयागराज का बहुत कम लोग यहाँ पे आते होंगे, बहुत कम एक्सप्लोर्ड जगह है, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है। पिछले 7 साल से मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इस प्लेस के बारे में, बट मैं आज सुबह सुबह आया हूँ। भाई साहब इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आप एक बार आओगे तो डेफिनेटली आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, तब आपको यकीन होगा। ये देखिए सामने गंगा जी हैं, प्रॉपर इधर घाट बनाया गया है बैठने के लिए चारों तरफ से। और यहाँ पे जो रोड भी है काफ़ी चौड़ी रोड है कि बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी कितनी भी भीड़ हो जाए। और इस साइड आपको पूरा का पूरा गंगा जी का नज़ारा देखने को मिलेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह सुबह मैं आ गया हूँ नैनी के यमुना वाले ब्रिज पे। आप देख सकते हैं सुबह का ऐसा कुछ नज़ारा है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ताकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं यमुना जी का जल स्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, यमुना जी का पूरा पानी एकदम मड्डी मड्डी हो गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं अरेल घाट पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ का कैसा व्यू है इस समय जल स्तर बढ़ने के कारण। अभी मैं जस्ट वहाँ ऊपर था, बीच में दोनों पुल के बीच में मैं था, मैं एकदम नीचे आ गया हूँ। आइए चलते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं कि नीचे से देखने में ये कैसा व्यू लगता है। हालांकि मतलब काफ़ी यार डरावना सा व्यू दिखने में यहाँ पे लगता है। मैं इसमें एकदम सेंट्रल पे खड़ा हूँ, मैं आपको सेंट्रल से फोटेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे मछुआरा लोग हैं जो अपना मछली उछली मार रहे हैं। गाइज जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, जब बाढ़ आ जाती है तो ये एरिया पूरी तरह से भर जाता है, पूरा पानी आ जाता है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं अरेल घाट पे। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ अरेल घाट के पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना जी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग नहा भी रहे हैं और ये पूरी तरह से डूब गया है। आइए चलते हैं नीचे। नीचे से मैं आपको एकदम पास से दिखाता हूँ यमुना जी का पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों यमुना जी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गाइज अभी मैं एकदम पास आ गया हूँ सीढ़ियों से नीचे, मैं अरेल घाट के एकदम नीचे आ गया हूँ, मैं एकदम यमुना जी के पास आ गया हूँ। आप इधर पीछे देख सकते हैं यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। उस दिन जब मैं आया तो मैं वहाँ जाके बैठा था, क्योंकि तब वहाँ पे सीढ़ियों पे पानी नहीं आया था, अभी पूरा ऊपर आ गया। जैसे जैसे बाढ़ आएगी वैसे वैसे ये पानी पूरा उस साइड ऊपर तक चला जाता है पानी। सामने वाला आपको जो दिख रहा है ये शास्त्री ब्रिज है, कितना खूबसूरत लग रहा है अभी पूरा तरह से, ऐसा लग रहा है पानियों में डूबने वाला है। गाइस कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही थी प्रयागराज में, और अचानक से बाढ़ कैसे आ गई। नदी में बाढ़ आने का रीजन एक ही है, MP की 3 नदियों से पानी छोड़ा गया है, केन नदी से, चंबल नदी से और केवट नदी से। इन तीनों नदियों को पानी छोड़ा गया है जिसके कारण से प्रयागराज में जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो ये रीजन है यहाँ पे जल स्तर बढ़ने का। हमारे सामने देख सकते हैं कि इतना ज्यादा यहाँ पे जल स्तर बढ़ा है, उसके बावजूद भी लोग रिस्क ले रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं।
तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं रेल घाट से, अब चलते हैं हम लोग संगम, संगम में चल के आपको दिखाते हैं संगम का कैसा व्यू है। अभी मैं आ गया हूँ एकदम संगम तट के किनारे, अभी रेल घाट साइड था उसके बाद अब आ गया हूँ सीधा संगम तट के किनारे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, बट एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी मस्त लग रहा है यार। जब बाढ़ नहीं आई थी तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी भीड़ भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक छोटे से प्लेस पे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी बीच में वहाँ पे एक टापू सा बना हुआ है, लोग वहाँ जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। अभी हम फिलहाल उस साइड थे रेल घाट के पास, सामने प्रशासन भी तैनात है जिससे किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये कुछ ऐसा व्यू है इधर का संगम का। अभी मैं आ गया हूँ आदिशंकर मंदिर के सामने, अब यहाँ से चलते हैं और इसके ऊपर से आपको संगम का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के एकदम टॉप पे, ऊपर आ गया हूँ और ये मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर के अंदर। अब यहाँ से जो मुझे सामने का व्यू दिख रहा है काफी लाजवाब दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा संगम का नज़ारा यहाँ से दिखता है। फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ नागवासुकी मंदिर के सामने, क्योंकि ये मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस में ये मंदिर देखा था बट अभी तक मैं इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया था, और प्रयागराज का ये मुझे पहला ऐसा एरिया मिला है जहाँ पे प्रॉपर घाट बनाया गया है और इस साइड की रोड भी प्रॉपर अच्छे तरीके से डेवलप्ड की गई है। अगर आप प्रयागराज में रहते हो और आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर घाट टाइप का बनाया गया है, बैठने के लिए भी बनाया गया है और इसमें गंगा जी तो बाढ़ ही आई हैं तो उसका नज़ारा भी आप बहुत अच्छा सा लुक ले सकते हो पीसफुली यहाँ पे आराम से बैठ करके, लाइक दिस जैसे ये चबूतरा टाइप का बनाया गया है, यहाँ पे बैठो, सामने मंदिर है, मंदिर में दर्शन करो और इस साइड देखो गंगा जी हैं, गंगा जी का दर्शन करो। तो फिर मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।